बॉलीवुड के सुपरफिट हीरो ऋतिक रोशन के बारे में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस की अलामत समझे जाने वाले ऋतिक रोशन मुंबई में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्लिनिक पहुंच गए। ऋतिक रोशन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्लिनिक जाने की जरूरत क्यों पेश है, इस बारे में भारतीय मीडिया का कहना है कि ऋतिक रोशन कुछ साल कबल फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे। ऋतिक रोशन के सर पर लगने वाले चोटों के बाद सर्जरी करवाना पड़ी थी और उनके दिमाग से 2 माह पुराना जम जाने वाला खून का लोथरा निकाला गया था। ऑपरेशन के बाद से ऋतिक रोशन बाकायदगी से अपना बोन मैरो चेकअप करवाते हैं। ऋतिक रोशन ने कुछ रोज कबल डिप्रेशन के खिलाफ अपने जंग से मुतल्लिक बात करते हुए कहा है कि डिप्रेशन के दौरान मुझे महसूस होता है कि मैं खत्म होने वाला हूं और यही वो लम्हा है जब मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का फैसला करता हूं।